तुम यहाँ कैसे? धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो भीड़ जमा हो जाएगी, ऑटोग्राफ वगैरह देना पड़ेगा। तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको अलाइट मोशन का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, और अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर से कर लेना। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने एडिटिंग की तरफ। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से 9:16 वाला रेशियो सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना और यहाँ से क्लिक करके आप अपने फोल्डर सेलेक्ट कर लेना। जिस भी फोटो से आप एडिटिंग करना चाहते हो सिंपली आप सिलेक्ट कर लेना और थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ वाला आइकन पे क्लिक करना है, करंट फ्रेम इस पीएनजी पे एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ देर वेट करना है और यहाँ पर फिर इस इमेज को सेव करना है, फिर आपको बैक आना है, ठीक है। इमेज को यहाँ से डिलीट कर देना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना। अब आपको क्या करना है, कोई दूसरा फोटो को ले लेना, ठीक है। आप कोई अपना दूसरा फोटो यूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर अपना दूसरा फोटो यहाँ पर ले लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना, फिर शेयर वाला आइकन पे क्लिक करना, करंट फ्रेम इस पीएनजी पे एक्सपोर्ट करना। तो इस तरह से गाइस, आपको क्या करना है कि टोटल जो है दो इमेजेस को क्रॉप कर लेना है, टू इमेजेस को, ठीक है। करने के बाद आपको सिंपली सेव करना है। सेव हो जाने के बाद आपको सिंपली बैक आना है और आपको चले जाना है अपने प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा, एक है शेक इफेक्ट और एक है बीटमार प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप इसलिए डाउनलोड कर लेना। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देख लेना और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है, कि हाउ टू डाउनलोड माय मटेरियल्स। अब वीडियो देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने बीट मैप प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का लिरिक्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर जो मैंने यहाँ से जो लिरिक्स है, यहाँ पर जो मैंने फॉन्ट यूज़ किया है, देख सकते हैं ये, ठीक है, कुछ इस तरह से ये रहा फॉन्ट हमारा। तो गाइस देख सकते हैं, ये हमारा फॉन्ट का नाम है जो है कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे देख सकते हैं Go3V2। तो इस तरह से आपको इसको डाउनलोड करके सबसे पहले अलाइट मोशन के अंदर ऐड कर लेना है। अगर आप ऐड नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको कोई और फॉन्ट दिखाई देगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि फॉन्ट को डाउनलोड करके अलाइट मोशन के अंदर इंपोर्ट कर लेना, ताकि आप जैसे ही प्रोजेक्ट को डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सब जगह लिरिक्स में ये वाला फॉन्ट सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पर कोई और फॉन्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग में आना है, ठीक है, स्टार्टिंग में आना और यहाँ पर कुछ इस तरह से लेयर मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर क्या करना है कि आपको जैसे कि इस पर क्लिक करना, करंट फील्ड पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर से क्लिक करके आपको अलाइट मोशन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी अपने एक इमेज को सिलेक्ट करना, प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक है। देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका ये इमेज ऐड हो जाएगा, जैसे कि हमें देख पा रहे हो। उसके बाद आगे वाले लेयर में भी कुछ इस तरह से ऐड करना है, ठीक है। तो बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। और यहाँ पर एक डबल बीट मार्क है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी लेयर है जो भी हमने इमेज को सिलेक्ट किया था उसी सेम इमेज को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। प्लस पे क्लिक करेंगे ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको आगे आना है और ये जहाँ डबल लेयर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या करना है, इस पर क्लिक करना, कलर एंड फिल पे क्लिक करना, टेक्स्ट पे क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ से फिर उसी सेम इमेज को सिलेक्ट करना और यहाँ पर ऐड कर देना। और नीचे वाले लेयर में भी क्या करना, उसी सेम इमेज को यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये देख सकते हो। उसके बाद आगे वाले लेयर में सेम इसी तरह से ये वाले इमेज को ऐड करते हुए चले जाना है, ठीक है। डबल बीट वर्क से पहले जितना भी लेयर मिलेगा आपको सेम इसी तरह से ऐड कर देना है, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड हो गया हमारा सब इमेज। उसके बाद आपको डबल बीट मार्क दिख जाएगा, यहाँ पर आना है और क्या करना है, यहाँ से जो हमने दूसरा इमेज को क्रॉप किया था वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली अब जो दूसरे इमेज को सिलेक्ट करेंगे, प्लस पे क्लिक कर देंगे, उसी तरह से यहाँ पर जितना भी लेयर मिलेगा सेम ये ऐड करना, और यहाँ डबल लेयर जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर दोनों में सेम इमेज को ऐड कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद फिर आपको आगे आना है, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना। और फिर आपको नीचे वाले लेयर में भी सेम इसी इमेज को ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरह से गाइस आपको इमेजेस को ऐड करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी लेयर मिलेगा सेम इसी इमेज को ऐड करना है, ठीक है, एक एक करके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना ताकि आपको एडिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली समझ जाओ किस तरह से क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर ऐड करेंगे, उसके बाद आगे भी क्लिक करेंगे, कलर फिर भी क्लिक करना, टेक्स्ट पे क्लिक कर देना
और यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर आपको आगे आना है, फिर इस पर क्लिक करना और फिर उसी सेम इमेज को ऐड कर लेना है यहाँ पर, और फिर आगे आना है और इस तरह से यहाँ पर भी इसी इमेज को ऐड कर देना है। सो फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सब इमेज जो है कुछ इस तरह से ऐड हो गया, ठीक है। आपको भी इस तरह से अपने सारे इमेजेस को ऐड कर लेना है। करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आना है और आपको चले जाना है अपने शेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पर क्या करना है कि किसी भी लेयर पर लॉन्ग प्रेस करना, चार लेयर को सिलेक्ट करना, प्लस पे क्लिक करना, कॉपी फोर लेयर्स कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली बैक आना है, पीट मार प्रोजेक्ट पर जाना, यहाँ से प्लस पे क्लिक करके पेस्ट फोर लेयर कर देना, ठीक है। करने के बाद आपको पूरा एंड तक आना है और फिर यहाँ से चार लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके पूरा एंड तक ले आना, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि पूरा ऐड कर लेना है और आपका एडिटिंग काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगेगा देखने में। तो गाइस जिस तरह से बताया स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो बिल्कुल सेम बन जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है, वीडियो क्वालिटी को सिलेक्ट करना, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, आपका वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।